वेरी गुड, अब लोग यही सोचेंगे प्राइम मिनिस्टर और कमांडर ऑफ झांसी ने ओरछा पर कब्जा कर लिया है, और लड़ाई सरकार भी यही सोचेगी। फिर क्या हो गया? अब झांसी में ओरछा का ध्वज लहराएगा। गौस खान, अब आप मुक्त हैं, हम आपको बचाने आए हैं। हम जानते थे हमारी जाबाज रानी लक्ष्मीबाई हमें ज्यादा देर यहां कैद नहीं रहने देगी। चलिए चलकर झांसी में उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। गौस खान, क्या आपको पता नहीं हमारी महारानी साहिबा को ओरछा की अहंकारी महारानी ने बंदी बनाकर इसी कारागार में रखा है? नामुमकिन, हमारी जाबाज रानी को कोई कैद नहीं कर सकता। अगर उन्हें कैद किया गया है तो इसमें कोई ना कोई फरेब तो जरूर होगा, और अगर उन्हें यहां लाया गया है तो इस बात का हमें जरूर इल्म होता। हो सकता है उन्हें किसी और जगह पे रखा गया हो, हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। गौस खान साहब, आइए चलिए हमारे साथ। हे भगवान, ये बड़े आश्चर्य की बात है, पता नहीं दोनों महारानियां इधर चली गईं। वो देखिए, उधर से एक घुड़सवार तेजी से आ रहा है। असंभव, क्या रानी लक्ष्मीबाई इस प्रतियोगिता में पराजित हो गई? इतनी जल्दी निराश मत होइए दतिया नरेश, वहां देखिए महारानी सरकार।
महारानी साहिबा, आपने तो हम सबको असमंजस में डाल दिया है। एक साथ दोनों झंडे क्यों गाड़े? इस प्रकार तो खेल। दत्या नरेश, हमारा लक्ष्य इस खेल पर विजय पाना नहीं था, बल्कि आप सबके अंदर एकता की भावना जगाना था, ताकि हम सब एक होकर इन धूर्त फिरंगियों का सामना कर सके। धन्य है महारानी साहिबा आप, धन्य है आपके विचार। महारानी लड़ाई सरकार, अब तो आपको अवश्य ही महारानी को बधाई देनी ही चाहिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। महारानी सरकार, आप खैरियत से तो हैं? क्यों, हमें क्या हुआ और हमारी सेना लेकर क्यों यहाँ आए? महारानी सरकार, हमें खबर मिली थी कि आपको अगवा कर लिया गया है और आपकी जान को खतरा है। मूर्ख, झूठा संदेशा सुनकर तुम ओरछा की सुरक्षा छोड़कर यहाँ चले आए, और वो भी सेना लेकर। अगर इस बीच हमारे शत्रु राइट योर एक्सलेंसी, आपकी एनिमी आर्मी आपकी ओरछा वॉल तोड़कर ओरछा पैलेस पहुंच गई है। कमांडर झांसी अलोंग विद तात्या ने पूरी बटालियन लेके ओरछा पे अटैक कर दिया योर एक्सलेंसी। तो ये थी तेरी योजना, हमें इस प्रकार उलझाकर हमारे ओरछा पर अधिकार पाने का षड्यंत्र था ये तेरा। एक बार फिर ओरछा की पीठ पर वार किया झांसी ने, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली लक्ष्मी बाई ने। इस जन्म में हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो। महारानी सरकार, यदि ये वार किसी फिरंग ने किया होता तो लक्ष्मी बाई ऐसा करारा जवाब देती कि उन्हें सदियों तक याद रहता। परंतु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज अपने ही अपनों पर तलवार उठा रहे, और आप इस बात को समझ भी नहीं पा रहे कि ये धूर्त फिरंगी यही चाहते हैं कि हम आपस में ही लड़ मर जाएं। पीठ पर वार करने की प्रवृत्ति हम हिंदुस्तानियों की नहीं, इन धूर्त फिरंगियों की है। Your Excellency, please believe me, हम ब्रिटिशर्स पर ब्लेम करने का क्वीन ऑफ झांसी का पुराना हैबिट है। And the actual fact is that किंग गंगाधर की डेथ के बाद वो ओरछा पे कैप्चर करना चाहती हैं, और ताकि वो और पावरफुल हो पाए, and she can prove us that she is the best। चुप, फिरंगी! तुम फिरंगियों के लिए तो लक्ष्मी बाई अकेली ही काफी है। सच तो यह है कि पूरा बुंदेलखंड जानता है कि लक्ष्मी बाई ने अपनी तलवार अपनों पर कभी नहीं उठाई। Yes, absolutely right.
इसीलिए अपने रातों रात अपनी सेना के साथ तात्या तोपे को और छबीत दिए। झूठ, झूठ बोलता है तू। जरूरत पड़ने पर हम हिंदुस्तानी पीठ पीछे से नहीं, आमने सामने लड़ाई करते हैं। महारानी साहब, हम पर विश्वास कीजिए, ये धूर्त फिरंगी हमको आपस में लड़ाना चाहता है। आप खुद ही सोचिए, यदि हमें ओरछा पर आक्रमण करना ही होता तो हम इस ध्वज खेल में सम्मिलित क्यों होते? अरे हम तो खेल के माध्यम से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते थे, पूरे बुंदेलखंड को एक करना चाहते थे। क्या आप इतनी सी भी भावना नहीं समझे? महारानी सरकार, जिस प्रकार आपने अपना पति खोया है, उसी प्रकार हमने भी अपने महाराज को खोया है। हम अपने इस खून का वास्ता देते हैं महारानी सरकार। इन फिरंगियों की कठपुतली बनने के बजाय हमारे साथ मिलकर इनका विरोध कीजिए। यदि हमें ओरछा पर आक्रमण करना ही होता तो हम अपने प्राणों को संकट में डाल के आपके प्राण कभी नहीं बचाते। अरे आपकी मृत्यु से तो हमें लाभ होता, ओरछा आसानी से हमारे आधिपत्य हो जाती। महारानी सरकार, आप हमारी बड़ी बहन समान है, तो हम आपकी मृत्यु की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हम अपना हाथ बढ़ाए खड़े हैं। शत्रुता त्याग दीजिए महारानी सरकार और मित्रता को स्वीकार कीजिए। लक्ष्मीबाई ने ना कभी छल कपट किया है और ना करेगी। क्या आप नहीं चाहती कि ओरछा के साथ साथ इन धूर्त फिरंगियों का पूरे हिंदुस्तान से सफाया हो जाए? सोचिए महारानी सरकार, सोचिए, सोचिए इस बारे में। सोचिए महारानी सरकार, सोचिए, सोचिए इस बारे में। Your Excellency, I'm sorry to say, but ये आपकी इमोशन के साथ खेल रही है। No, Your Excellency, she. हमें अपनी बुद्धि और विवेक पे भरोसा है। अवश्य लक्ष्मीबाई, हमें खाई में गिरने से बचाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हारी मित्रता स्वीकार करते हैं। हमें तो ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। शायद आप ठीक कह रहे हैं रघुनाथ जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। एक काम करते हैं रघुनाथ जी,
हम इन कैदियों को यहां से लेकर तुरंत निकल चलते हैं। चलो निकलो जल्दी। लक्ष्मीबाई ने सत्य कहा है और इसका प्रमाण हमने स्वयं देखा है। ये चाहती तो आज झांसी का ध्वज अकेला लहरा रहा होता, किंतु ओरछा के ध्वज को साथ में लहराकर इन्होंने अपने उदार प्रवृत्ति का प्रमाण दिया है। जो लोग मित्रता चाहते हैं वो कभी मित्र के साथ छल कपट नहीं करते, इसलिए अब हमारे मन में झांसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं। लक्ष्मीबाई, शत्रुता नहीं मित्रता का अध्याय आरंभ करते हैं। आज आप सबके समक्ष ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को हम ओरछा आने का सादर निमंत्रण देते हैं, ताकि निवलकर वंश के साथ हमारी दोस्ती एक उदाहरण बने और लोगों तक एकता का संदेश पहुंचे कि यह समय एक होने का है। और अब हम एक हैं।